के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया मंडल में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त ने किया पिपराइज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट, कहा इंसेफ्लाइटिस से निपटने की व्यवस्था है उपलब्ध। विरहद गौ संरक्षण केंद्र एवं निर्माणाधीन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का डीएम ने किया निरीक्षण, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, प्रोजेक्ट मैनेजर को लगाई फटकार। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एसपी सिटी ने महानगर में चल रहे स्पा सेंटर एवं मसाज क्लिनिक का किया चेकिंग, नहीं मिला कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु। गोला तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, किया कई मामलों का मौके पर निस्तारण। एडी कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं को बालिका सुरक्षा अभियान व ट्रैफिक नियमों के प्रति किया गया जागरूक, दी गई आवश्यक जानकारी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने नव निर्मित राप्ती अधिकारी विश्राम गृह विस्तार का किया उद्घाटन, परिसर में किया वृक्षारोपण। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में तहसील सदर सभागार में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, फरियादियों की फरियाद सुनकर किया गया उनके मामलों का निस्तारण। ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के खिलाफ लगातार चला रही है अभियान, एसपी ट्रैफिक ने कहा दिख रहा है असर, 80% लोग लगाने लगे हैं हेलमेट। नगर निगम ने शहर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का महापौर ने वृक्ष लगाकर किया शुभारंभ, कहा हम भी पौधे लगाने में योगी सरकार के संकल्प के हैं साथ। और प्रदेश के 31,000 अनुदेशकों के मानदेय को घटाने पर बीएसए कार्यालय पहुंचे अनुदेशक, किया प्रदर्शन, विरोध स्वरूप नियुक्ति पत्र जलाकर जताया आक्रोश।